संसद में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जो हमने देखा। राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई, लोकसभा में भी मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाने को लोकतंत्र की हत्या बता दिया, बीजेपी ने इसे लेकर नियम समझा रही है, लेकिन इस हंगामे के चलते कई अहम बिल पास नहीं हो पा रहे। पहाड़ के पॉलिटिक्स की तपिश दिल्ली के सियासी पारे को और बढ़ा रही है। संसद में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। संसद में उत्तराखंड के मुद्दे पर जमकर हंगामा जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। कांग्रेस के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। कांग्रेस मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने की जल्दबाजी क्यों थी, इस सवाल का जवाब मांग रही है। The Chief Minister that he should prove his majority on the floor of the House before 28th of March. Did the center government wait till 28th? They did not wait for 24 hours. On 27th of March, they imposed the central rule. बीजेपी कांग्रेस पर उत्तराखंड विधानसभा में मत विभाजन में नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगा रही है। संसदीय से लेकर संवैधानिक परंपराओं की दुहाई दे रही है। आज तक इस देश में नहीं हुआ कि हारा हुए बिल को पारित घोषित कर दिया गया, और इसलिए विधानसभा में जो हुआ सब्सटेंटिव मोशन में 238(a)(5) में चर्चा हो सकती है। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। 60 साल में कुछ नहीं हुआ इस देश में, सभी कुछ उन्होंने ही किया, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जो 66,000 किलोमीटर रेल लाइन है, इसको यूनिगेज में अगर लाने की कोई कोशिश किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया और नरसिंह राव के जमाने में शुरू हुआ। सियासी शोर में भले ही कुछ साफ सुनाई ना दे रहा हो, लेकिन सियासतदान खुद को सही और दूसरे को गलत बताने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मई तक ही चलेगा। संसद में GST समेत कई अहम बिल अटके पड़े हैं। ऐसे में बिना कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के साथ आए बिल कैसे पास होंगे, संसद कैसे चलेगी, बात कैसे बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।